है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज मैं जा रही हूँ एक दावत में, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। दावत हुई है मेरी फूफो के यहाँ, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस हम घर से निकल चुके हैं। मैं रास्ते में चूड़ियाँ पहनना भूल गई थी, जो कि मैंने गांव में देखा। मुझे एक शॉप नज़र आई, मैंने चूड़ियाँ ली, लेकिन फिर भी मुझे पसंद नहीं आई, फिर भी मैं ले चुकी थी। उसके बाद घर पहुँचे। घर पहुँच कर मैं देखती हूँ कि वहाँ नाश्ते की तैयारी चल रही थी। लड़कियाँ नाश्ता लगा रही थी। नाश्ते में बहुत कुछ था, बनाना था, मैंगो थे, ग्रेप्स थे, पकौड़ी थी, रसगुल्ले थे, बिस्किट थे। इनमें से तो मुझे सबसे ज़्यादा बनाना पसंद है एंड पकौड़ी पसंद है। आप लोगों को जो भी पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर नाश्ते की तैयारी शुरू हो चुकी थी। लोग आने वाले थे, नाश्ता हम लगा चुके थे, प्लेटिंग भी कर चुके थे, पूरी तैयारी हमारी हो चुकी थी। यहाँ पर लोगों का वेट कर रहे थे जो कि नाश्ते के लिए आ रहे थे। जैसा कि हमेशा से बोला जाता है लेडीज फर्स्ट, तो यहाँ पर लेडीज आ चुकी हैं जो कि बैठ चुकी हैं नाश्ते के लिए। यहाँ पर छोटे छोटे क्यूट बच्चे भी हैं। उसके बाद ये बेचारा गरीब बैठा हुआ है जो कि खाने के लिए, इसको सबसे ज़्यादा भूख लगी थी। खाने का तरीका देखो किस तरीके से खाने पर लगा हुआ है। इसने सबसे पहले खाना खाया, उसके बाद थोड़ा सा सालन था इसके पास एंड थोड़ी सी सलाद थी जो कि ये मुझे देखते हुए खा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये किस तरीके से खाने पर लगा हुआ है। बेचारा इतना गरीब है, किसी ने इसको रोटी भी नहीं दी, चावल भी नहीं दिए। सब बैठे हुए थे यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाने में माशाल्लाह से बहुत कुछ था। वाइट चिकन कोरमा था, रोटी थी, रायता था, सलाद थी, खीर थी। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।